पहुंचे श्री अयोध्या धाम। अयोध्या में जैसे पहुंचे श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, भैया कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? दूतों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से। महाराज हम पत्रिका लेकर आए हैं, कहां से? ओ हमता ई पाती लेके आवत बानी पार से। अरे राजा जनक दरबार से ना ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से। I'm not afraid।
शुभ दिन नीमन लगन विचार से राजा जनक दरबार खंडन करके हमारी किशोरी जी का वरण किया है। अतएव आपसे निवेदन है, आप अति शीघ्र बारात साज करके श्री जनकपुरी में पधारिए। श्री दशरथ जी महाराज को जैसे ही आनंद मिला, वह सूचना सुनी, श्री दशरथ जी महाराज तुरंत पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव से जाकर के पूरी बात सुनाई। गुरुदेव ने बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकाला, रनिवास में खबर पहुंचाई गई, माताएं आनंदित हो गईं, पूरी अयोध्या में खबर पहुंची, अयोध्यावासी मगन हो गए। अब बारात चलने का दिन सुनिश्चित हुआ। बारात प्रस्थान होनी है, कहते हैं 4 दिन लगे थे बारात को अयोध्या से मथुरा धाम पहुंचने में। मार्ग मार्ग में जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई थी और तदोपरांत बारात मिथिला धाम के निकट में पहुंची है। हमारे संत जन गाते हैं, अवध नगरिया से अरे चल ले बरी अतिया है सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हे
करती है चलनी बरतिया ये सुहावन लावे
नाथ जी के पूरा यो सुना हो रघु नंदन हरे। गजमो